My dear friends, May 19, June 19, CA final exams, results are out और बहुत सारे students ने जो hard work किया, लगभग सब students ने बहुत hard work किया, दिल से काम किया और उनका results उनके पास है, बहुत सारे students के all India ranks आए, बहुत सारे लोगों के exemptions आए, बहुत सारे लोग CA clear हो गए, बहुत सारे लोगों का एक group clear हुआ और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका clear unfortunately नहीं हो पाया किसी कारण से. Okay, तो सर जिनके results पॉजिटिव नहीं रहे, डोंट वरी, दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट, नॉट ऑफ द फ्यूचर. अपना टाइम आएगा, हम लोग अभी और मेहनत करेंगे, कुछ अगर कमी रह गई तो उसको हम पूरा करेंगे और बेटर लक नेक्स्ट टाइम. और सर इस बार के रिजल्ट में सर सबसे बड़ी खुशी जो हमको मिली है, इस बार कई सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे एग्जिबिशंस अचीव किए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इवन कई सारे रैंक्स अचीव किए. जस्ट ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं उन स्टूडेंट्स को बधाई देने के लिए जिनके ऑल इंडिया रैंक्स आए, उन सारे स्टूडेंट्स का जिनका सीए क्लियर हो गया, वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जिबिशन क्लेम किया या अदर सब्जेक्ट में एग्जिबिशन क्लेम किया, उनको बहुत बहुत बधाई. अल्टीमेट आपकी मेहनत काम आई, आपकी मेहनत रंग लाई. बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास फोन आया, मैसेज आया, बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स जो कई टाइम से फाइट कर रहे थे और अल्टीमेटली दे वॉन. सो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती एंड दिस टाइम सर अनबिलीवेबल, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ शेयर करने के लिए कि इस बार हमारे स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक प्राप्त करी है. 20 ऑल इंडिया रैंक्स इन मई 19 एग्जाम, सिंगल एग्जामिनेशन में 20 रैंक, ये मेरे लिए एक तरह से सपना, मतलब ऐसा वो सपना है जो मैंने कभी देखा नहीं, वो भी पूरा हुआ है. सारी मेहनत बच्चों की है, बहुत हार्डवर्क उन्होंने किया है और उनके हार्डवर्क ने ये रिजल्ट दिया है सर. पर आपके हार्डवर्क की वजह से जो आपको रिजल्ट मिलता है उससे हमको खुशी मिलती है, उस खुशी को जाहिर करने के लिए सर ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको बहुत बहुत बधाई. सर आपके सामने वो स्टूडेंट्स के नाम ले रहा हूं जिनके ऑल इंडिया रैंक्स आए हैं इस एग्जाम्स में. आप देखिए ऑल इंडिया रैंक्स मई 19 एग्जाम्स, आपके सामने ये सारे स्टूडेंट्स के नाम होंगे. रंजन कुमार गोयल ऑल इंडिया 11th रैंक, मुकुंद माहेश्वरी ऑल इंडिया 13th रैंक, शुभम ऑल इंडिया 14th रैंक, श्लोक इनानी ऑल इंडिया 16th रैंक, साची ऑल इंडिया 19th रैंक, सचिन अग्रवाल ऑल इंडिया 22nd रैंक, राधिका ऑल इंडिया 23rd रैंक, धीरज कासत ऑल इंडिया 24th रैंक, अनुपम करवा ऑल इंडिया 29th रैंक, हर्ष मूलचंदानी ऑल इंडिया 29th रैंक, मेहुल परमार ऑल इंडिया 30th रैंक, जयश्री सोलंकी ऑल इंडिया 33rd रैंक, रुचिका बाफना ऑल इंडिया 34th रैंक, यमन ऑल इंडिया 37th रैंक, मिहिर 38th रैंक, हिनय ऑल इंडिया 40th रैंक, अर्पित माहेश्वरी ऑल इंडिया 41st रैंक, केशव लड्डा ऑल इंडिया 47th रैंक एंड हिमांशी चौरसिया ऑल इंडिया 47th रैंक एंड वन मोर 47th रैंक वी हैव, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूं अभी. सो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई, आपने जो हार्डवर्क किया अल्टीमेटली दैट पेड यू अप एंड सर जो आपकी एक में ऑल इंडिया 47th रैंक एक और है राजवी गंगर ऑल इंडिया 47th रैंक. सो आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष फ्रॉम आर साइड. ये रैंक जो आपके आया है ये आपने अपने आप को प्रूव किया है, आपके जो लास्ट 20 साल की मेहनत थी उसका आपने प्रूव किया है. बहुत सारे स्टूडेंट्स दिस टाइम आई वुड लाइक टू शेयर कि मोर देन 350 स्टूडेंट्स स्कोर्ड एग्जिबिशन इन इनडायरेक्ट टैक्स. तो सरकार ये एग्जिबिशन अपने आप में शो करता है कि आपने किस दिल से, कितने मेहनत से आपने पढ़ाई करी, दिन रात एक किया. ये रैंक्स, ये रिजल्ट्स जो आपके जो सीए आपने क्लियर किया है ये शो करता है कि जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए इतने सालों से मेहनत करी, आपके फ्रेंड्स ने जो आपके लिए दुआएं करी, आपके फैमिली मेंबर्स ने जो आपको सपोर्ट किया है, उन सबको सर आपने मुकाम तक पहुंचा दिया. तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज. सर ऑलवेज आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए आपका नाम इज मोर इंपॉर्टेंट, मतलब आपके लिए आपकी जो स्माइल है, आपकी जो जिंदगी है वो इज मोर इंपॉर्टेंट. जिन लोगों के लिए रिजल्ट्स अभी नेगेटिव रहे डोंट वरी, जिनके रिजल्ट्स पॉजिटिव रहे वो भी सर आपके लिए अभी लाइफ शुरू हुई है तो आपको भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है. सो ये हार्डवर्क जो आपने अब तक किया है इसको कंटिन्यू करें, उससे भी ज्यादा हार्डवर्क करें और जिंदगी में जो सपने आपने देखे या जो सपने अभी देखने बाकी है आपको वो सब आप पूरे करें. तो बहुत बहुत बधाई आपको एंड बेस्ट विशेज. और हाँ, जो स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं हो पाया इस बार एग्जाम्स में डोंट वरी, मई 19 एग्जाम से
नवंबर 19 एग्जाम्स के बीच में जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुए, मतलब 6 मंथ के जो अमेंडमेंट्स थे जो एप्लीकेबल है 30 अप्रैल 2019 तक के, वो अमेंडमेंट लेक्चर्स मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया है। अमेंडमेंट नोट्स के लिए भी मैंने आपको वहां पे एक लिंक दिया है, वहां से आपको अमेंडमेंट नोट्स भी मिल जाएंगे और अमेंडमेंट लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। सो इंडायरेक्ट टैक्स के लिए आपने जो अब तक पढ़ाई करी, डोंट वरी, साथ में अमेंडमेंट कर लेना तो आपका पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा टिल नवंबर 19 एग्जाम्स। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम आर साइड। एंड हाँ, नवंबर 19 एग्जाम्स के लिए मैं जो रिविजन लेक्चर्स मैं जिस तरह से हर बार अपलोड करता हूँ चैप्टर वाइज, वो दिस टाइम अगेन आई एम अपलोडिंग रिविजन लेक्चर्स फॉर नवंबर 19 एग्जाम्स एंड मई 20 एग्जाम्स। सो जो भी स्टूडेंट्स अभी एग्जाम देंगे, होता है नवंबर 19 एग्जाम्स थे, होता है मई 20 वाले स्टूडेंट्स है, रिविजन लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर रहा हूं मैं। यू कैन वॉच ऑल दोज लेक्चर्स, यू कैन डाउनलोड द लेक्चर्स ऑफ रिविजन फॉर इंडायरेक्ट टैक्स। वो इंडायरेक्ट टैक्स का हम रिविजन पूरा इंडायरेक्ट टैक्स वी कैन रिवाइज इन लगभग 8 आवर्स, 8 घंटे में हम रिवाइज कर सकते हैं सर। तो आप उसको यूज करिए, और जिनके रिजल्ट्स नेगेटिव रहे बिल्कुल भी निराश मत होइए, फुल ऑफ एनर्जी। आप ध्यान रखिए, आपके अगर 800 मार्क्स थे आईसीआई 800 मार्क्स में से आपके 300 मार्क्स दिए, फॉर एग्जाम्पल किसी के 300 मार्क्स आए, तो 300 मार्क्स आए हैं आपके। ओके, सो यू नीड टू स्कोर 100 मोर टू पास, एंड यू नीड टू इम्प्रूव 500 मोर मार्क्स to get up to the par. So best wishes जो CA बन गए, best wishes जो CA नहीं बन पाए उनके लिए best wishes. Do your best, मेहनत आपको करना है क्योंकि learning never stops. Thank you so much, best wishes. Thank you sir, thank you so much.